हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आप देख रहे हैं आस्क टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कैसे एंगल निकालेंगे दो लाइंस के बीच का। तो उसके लिए हमें पहले दो लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी, उसके बाद हम उसके एंगल को कैलकुलेट करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा, आप ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये है पार्ट हमारे पास। तो ये इसके आप लाइन देख रहे हैं, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन उधर है। तो इसका जो एंगल है बीच का, जो एंगल बनेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें कैसे लाइन सेलेक्ट करनी है, कैसे एंगल लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखें आप। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ ये लाइन, देखिए दोस्तों ध्यान से, ये लाइन नाइन लिखा हुआ है। इस पर लाइन पे हम क्लिक करेंगे, फिर हम दो या तीन पॉइंट लेंगे लाइन पर। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और यहां पर हम करेंगे फिनिश। ये हमारी लाइन आ गई, आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम सेकेंड लाइन लेंगे। सेकेंड लाइन के लिए दोबारा लाइन पे क्लिक करेंगे और यहां पे दो पॉइंट लेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पर हमने किया फिनिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और लाइन आ गई। साहब देखिए, एंगल कैलकुलेट करना है हमें इन दो लाइनों के बीच का। देखिए फ्रेंड्स, हमको इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो लाइन्स हमने सिलेक्ट कर ली हैं, हम एंगल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, अब हम एंटर करेंगे सेवन पे, एंटर करेंगे सिक्स पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिक का निशान आ गया है, और यहाँ पे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो एट जो आपकी डायमेंशन है वो आपकी एंगल को दिखाएगी। कितना एंगल आपका आ रहा है, 120 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। ये जो डिग्री मिनट और सेकेंड होता है, ये क्लॉक की तरह ही होता है। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे एंगल को। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आस्क टेक्नोलॉजी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप गोइंग एंड बी एक्टिव।